हरियाणा के सोनीपत में सुखबीर फरमाना एक ऐसा नाम जिन्होंने शक्ति ताकत से आगे बढ़ते हुए विधानसभा तक पहुंचे और अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सुखबीर फरमाना जी, अब विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको, कैसी ताकत मिलने वाली है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और चौधरी उदय बान के अध्यक्षता में, तो ये क्लियर संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। लेकिन भाजपा के नेता जो हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था 75 पार जाएंगे और अब की बार कांग्रेस कह रही है 70 पार जाएंगे। तो कांग्रेस कोई बड़ा चढ़ा करके बात नहीं करती, वो प्रैक्टिकल बातें करती है। जितनी सीटें आएंगी उससे कम ही बताती है। वो 70 पार कह रही है लेकिन आएंगी 80 पार। तो कांग्रेस का ये एक गणित है कि वो ज्यादा नहीं बोलती और वो जितना मतलब कहती है उतना करके दिखाती है। तो ग्राउंड जीरो पर किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? तैयारियों को दिन रात ये सम्मेलन चल रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय मान जी दिन रात मैनेज कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं और कार्यकर्ता उनके साथ जुटे हुए हैं। जैसे वे दिशा निर्देश देते हैं तो वे कार्यकर्ता भी जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे। और एक तरफ ही लोगों का प्यार इतना है कि एक तरफ ही चुनाव होगा ये आने वाला समय, क्योंकि बीजेपी ने हर वर्ग को धोखा दिया है। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बड़े लीडर जो हैं वो भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्या लगता कुछ असर होगा? उनका कोई असर नहीं है, ना उनकी कोई जमीन है। उन्होंने धोखा देना था पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उदय भांजियों को, तो वो उन जो धोखा देते हैं, जो इधर उधर भागते हैं, उनकी कोई धरातल नहीं होता, ना उनकी कोई वैल्यू है। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, अब जैसे चुनाव आने वाले हैं, क्या आपकी दिलचस्पी है फिर से आप चुनाव मैदान में आओ? हमारी दिलचस्पी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की है, जो ताकि हरियाणा नंबर वन बन सके, बेरोजगारी खत्म हो सके और अपराध खत्म हो सके। तो हम हरियाणा की तरक्की चाहते हैं, छत्तीस जात का विकास चाहते हैं और छत्तीस जात में भाईचारा बढ़े और मतलब गरीबी हटे। इसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें टिकट का कोई महत्व नहीं है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। जिस तरह से इतना जरूर साफ किया गया है कि वह टिकट में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार हरियाणा में फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं ताकि हरियाणा नंबर वन बन सके। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।